छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद 21 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई है। और इस बीच आपको बता दें कि शनिवार को करीब 3 घंटे बाद चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हैं। और इस बीच जानकारी मिली कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है। तो यहां राज्य के नक्सल विरोधी अभियान के पुलिस उपमहानिरीक्षक ओपी पाल ने बताया कि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 12 अन्य जवान घायल हुए हैं। तो यहां पाल ने बताया कि शुक्रवार रात को बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन DRG और STF के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया है। दो चॉपर गए थे, उसका घायल को लेकर आए थे और एक डेड बॉडी को लेकर आए थे। बाकी और भी सर्चिंग चल रहा है, फोर्स अभी भी मैदान में है। इसलिए सेकंड जो अपडेट है उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, वो थोड़ा 8 बजे के आसपास मिलेगा हिसाब से कोई, क्योंकि लगातार लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में हमारा पूरा टीम फैला हुआ है। वो जितना इंजर्ड थे, जितना डेड बॉडी वो अभी आ गई है, और भी यदि कोई इंजर्ड है तो मतलब सेकंड अपडेट में हमको पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमको ग्राउंड से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आए थे, इसमें और कोई घायल होने का संभावना कम है, क्योंकि जितना भी घायल थे मतलब उसके लेकर आ गए थे। कोई हथियार अभी लूटने का कोई खबर नहीं आ रहा है। मैं जैसा पहले बताया था, मतलब थोड़ा सेकंड अपडेट जो भी मैं बोल रहा था ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। सेकंड अपडेट हमको थोड़ा 1.5 घंटे और लाएगा, जो पार्टी सब सर्च करने के बाद जो हमारा जो LUP पॉइंट बोलते हैं उसमें आने के बाद रिपोर्ट करेगा, उसके बाद सेकंड अपडेट हमको मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ST संवाददाता जुड़े हैं। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और इसके बीच मुठभेड़ हुए और इसमें 21 जवान लापता बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो बड़ी घटना घटी है, जो बीजापुर क्षेत्र में घटी है, जो कल यहाँ पे रात में घटना हुआ था, शाम की घटना हुआ था, जिस घटना में लगभग 7 जवानों की पुष्टि की गई है कि 7 जवान शहीद हो गए हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आला अधिकारी अभी जो बता रहे हैं, लगभग 18 जवान लापता बताया जा रहा है, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू ढूंढा जा रहा है वहाँ पे, जिस जगह पे वहाँ घटना हुआ था, ग्राउंड जीरो में अभी भी वहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जवानों को ढूंढा जा रहा है। इसमें ये भी माना जा रहा है कि कम से कम नक्सली 20 से 21 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों की डेड बॉडियों को नक्सलियों ने ट्रैक्टर में डालकर अंदरूनी क्षेत्र में लेके भी चले गया गया है और वहां से एक महिला नक्सली की डेड बॉडी भी मिला गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन से वहां जब लौटेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी हो सकता है कि और कुछ नक्सलियों की डेड बॉडी भी वहां से आए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब आला अधिकारी और सूत्रों के माने तो 25 जवानों की शहादत की बात कही जा रही है, लेकिन इसका पुष्टि करना अभी नामुमकिन है क्योंकि वहां से अभी आला अधिकारियों का पुष्टि हुआ नहीं है और 25 जवानों का यहां पे शहादत हुआ है ये बताया जा रहा है। अभी तक 7 जवानों का पुष्टि किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से कुछ दिन पहले नारायणपुर क्षेत्र में बस को उड़ाया गया था, उसके 17 दिन बाद बीजापुर क्षेत्र में इतना बड़ा घटना किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हिरमा जो कि नक्सल लीडर है और बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो नक्सल है उन लीडर के सुरक्षा में कम से कम 400 वहाँ पे नक्सली उपस्थित थे ये बताया जा रहा है। 400 नक्सली उपस्थित थे और उस एम्बुश में जवान जाकर फंस गए और फंसने के बाद जब ये कार्रवाई हुआ तो बहुत ताबड़तोड़ वहाँ पे फायरिंग हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद जब सुरक्षा बल भी फायरिंग अपने तरफ से करे तो सुरक्षा बल की फायरिंग देखने के बाद वहाँ नक्सल भाग खड़े हुए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नक्सलवाद नक्सली को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। और मैं आपको ये पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि कितने नक्सली मारे गए हैं क्योंकि आला अधिकारियों से अभी तक का कोई जानकारी, अभी तक पुष्टि वाली खबर नहीं आई है। ये हो सकता है कि शाम तक पूरी तरह से हो जाए कि कितने नक्सली मारे गए हैं और कितने जवान मारे गए हैं। जी, यहाँ खबर सामने आई कि मुठभेड़ के बाद एक आपात बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुठभेड़ बहुत बड़ी मुठभेड़ है, जैसे कि नारायणपुर में मुठभेड़ हुई, उसके बाद अभी बीजापुर में, तो इसको देखा जाए। लेकिन ये तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नक्सलियों की जो गढ़ होती है, नक्सलियों के गढ़ में पहले इससे पहले पुलिस CRPF और DRG ये जवान नहीं जा पाते थे। अब इतना तो हो गया है कि पुलिस DRG और CRPF के जवान नक्सलियों के गढ़ में भी जा रहे हैं, नक्सलियों के गढ़ में जाके नक्सलियों को मार कर वापस आ रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं तो ये तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नक्सली बैकफुट पे है और पुलिस विभाग और CRPF की विभाग जो है आगे की ओर बढ़ रही है और नक्सली कहीं ना कहीं डरे हुए हैं।
तो इस सब रणनीतियों को देखते हुए आला अधिकारियों का अभी आज बैठक रखा गया है, तो कल भी रात के बैठक हुआ था रायपुर में आला अधिकारियों का, आज भी फिर से बैठक रखा गया है, हो सकता है जिसमें कोई बड़ा इनका जो रणनीति है सामने आए, और इस रणनीति को जब तक ये सफल नहीं करते हैं तो ये बाहर किसी प्रेस या किसी बैठक में नहीं बताया करते हैं। और जैसे सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रहा है कि ये बैठक जो किया जा रहा है नक्सलियों को बड़ी रणनीति से हराने का रणनीति बनाया जा रहा है, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अंदरूनी क्षेत्र में जो सीआरपीएफ और डीआरजी और पुलिस विभाग की जो सर्चिंग चल रही है इनसे तो कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि नक्सली आज के डेट में खत्म होने के कदार में है और नक्सली बैकफुट पे है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बने रहे हमारे साथ, जानकारी लेते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।